कैसे धूमधाम से सगाई और शादी करूंगी मैं दोनों की। लेकिन शादी के बाद अगर बब्बी को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और वैसे भी आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर ये बात आपका दिल भी जानता है। इस पर नजर रखना दलजीत, परी जरूर कुछ ना कुछ करेगी इस शादी को रुकवाने के लिए, सो बी केयरफुल। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई कहानी में काफी ज्यादा एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इस बार नीति वर्सेस पार्वती यानी परी हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर बार बार नीति चालें चल रही है पार्वती को हराने के लिए, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए। तो वही पार्वती भी बार बार चालें चल रही है नीति की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कि किस तरह से नीति ने उसे मारने की कैसे धूमधाम से सगाई और शादी करूंगी मैं दोनों। लेकिन शादी के बाद अगर बब्बी को भी तकलीफ हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और वैसे भी आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर ये बात आपका दिल भी जानता है। इस पर नजर रखना दलजीत, परी जरूर कुछ ना कुछ करेगी इस शादी को रुकवाने के लिए, सो बी केयरफुल। कोशिश की थी, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी पार्वती जो है वो भी कोशिश कर रही है नीति की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। वो बताना चाहती है कि किस तरह से नीति ने परी को मारने की कोशिश की थी, और इसी बीच काफी मजा आ रहा है भाई दोनों के बीच में वॉर देखने में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से पहले तो हमारी पार्वती बार बार अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रही थी, लेकिन इस बार नीति ने एक बड़ा कमबैक किया है। जी हाँ, यहाँ पर नीति एक बड़ी चाल के साथ सामने आई है हमारी परी को मात देने के लिए, यानी कि पार्वती को मात देने के लिए। हम देख सकते हैं एपिसोड में कि किस तरह से नीति ने यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग की, और उसकी प्लानिंग ये है कि वो दलजीत और बबली की शादी करवाने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारी परी का वीक पॉइंट उसका फैमिली होता है, और इस बार नीति ने जानबूझकर उसकी फैमिली पर ही वार किया है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई पार्वती को पता चल गया है कि दलजीत और बबली की शादी होने वाली है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी पार्वती जो है लाख कोशिश करेगी इस शादी को रोकने की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी पार्वती को पता चल गया है कि नीति ने जानबूझकर ये प्लानिंग की है ताकि पार्वती की सच्चाई सबके सामने आ सके कि वही परी है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से यहाँ पर इस बार हमारी पार्वती पहुंच जाती है बाजवा हाउस में नीति से सवाल करने के लिए कि आखिर वो बबली की शादी जबरदस्ती दलजीत से कैसे करवा सकती है। लेकिन वही यहाँ पर नीति भी कुछ कम नहीं है, वो भी लाख सवाल करेगी हमारी पार्वती से, और कहती है कि अपने एम्प्लॉय के लिए इतना हमदर्दी रखना सही नहीं है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम बॉस नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन हो। और इसी के साथ यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि भाई नीति की प्लानिंग यही है कि वो हमारी बबली का इस्तेमाल करके पार्वती की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी रोका हो चुका है बबली और दलजीत का, और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है जहाँ पर राजीव समेत और हमारी पार्वती समेत सभी घर वाले मौजूद है। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई नीति हमारी पार्वती का पर्स चोरी करेगी। आपको बता दूं कि भाई परी जो थी वो पहले अपने पर्स में हमेशा गुलाब जल की बॉटल में ब्लैक पेपर रखती थी, और यहाँ पर नीति ने सोचा, नीति को याद आ जाता है कि भाई ऐसा परी किया करती थी, और इस बार यहाँ पर परी ने चुरा लिया है पार्वती का पर्स ये देखने के लिए कि क्या सच में अभी भी गुलाब जल की बॉटल में ऐसी चीजें वो रखती है। और अगर ऐसा होता है तो इस बार साबित हो जाएगा कि भाई पार्वती ही परी है। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी जीत होती है, पार्वती की या फिर नीति की।